हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको वाराणसी के आसपास के तीन बेहतरीन वाटर पार्क दिखाने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको पहला वाटर पार्क अभी दिखाने वाला हूं, जो कि एक्वा जंगल वाटर पार्क है, जो कि अरोरा में स्थित है, जो कि वाराणसी के बहुत ही पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वाराणसी मेन सिटी से लगभग लगभग ये 50 किलोमीटर दूरी पर है। अरोरा में स्थित अरोरा घाटी ये देख सकते हैं, जो कि नंबर वन मैं आपको वाटर पार्क दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन वाटर पार्क है, जो कि काफ़ी इस वाटर पार्क का अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा है। और ये देख सकते हैं, मैं आपको पहला ये वाटर पार्क दिखाने वाला हूँ, जो कि नंबर टू और नंबर थ्री आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अभी आपको दोनों और वाटर पार्क दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब वाराणसी के आसपास के बहुत ही ये सब अच्छे वाटर पार्क हैं, जो कि इस टाइम काफ़ी ये सब का मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है, जो कि समर का सीज़न है गर्मी का, तो गर्मी के दिन में वाटर पार्क आप जानते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी अभी भी भीड़ भाड़ है वाटर पार्क में। और आपको बता दूं कि ये एक्वा जंगल वाटर पार्क काफ़ी दूर नहीं है, जो कि वाराणसी से 50 किलोमीटर, और इसका आपको मैं आपको टिकट प्राइस बता देता हूँ। इसका 400 रुपये टिकट है सैटरडे संडे, और अदर डे में आपको बता दूँ 350 रुपये है। और ये काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है और काफ़ी मतलब बेहतरीन है। इस वाटर पार्क में आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, पार्क हो गया, और एक्स्ट्रा एडवेंचर भी है इस वाटर पार्क में। आप देख सकते हैं काफ़ी एडवेंचर भी है, और ये देख रहे हैं काफ़ी अभी एडवेंचर चल भी रहा है, जो कि वाराणसी के किसी भी वाटर पार्क में आपको इस तरह का एडवेंचर नहीं मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्क की तरह झूला ये सब विदाउट। इसमें आपको पहली बात ये बता दी कि अगर आपको इसमें अगर घूमना है तो घूमने का भी टिकट निर्धारित किया गया है, जिसका शुल्क मात्र 25 रुपये है, जो आपको सिर्फ घूमना है, लेकिन वाटर पार्क में नहाने नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दें यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो भी काफ़ी महंगा है, क्योंकि ऐसे अंदर में जो भी चीज़ मिलता है वो काफ़ी महंगा ही मिलता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे सिनेमा हॉल हो। ये देखिए एडवेंचर है, क्योंकि यही इसी वाटर पार्क में आपको एडवेंचर मिलेगा काफ़ी, और किसी भी वाटर पार्क में आपको एडवेंचर नहीं मिल सकता है काशी में। और देखिए आपको चारों तरफ का मैंने नज़ारा दिखा दिया, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए एडवेंचर अभी यहाँ पे चल भी रहा है, जो कि कुछ लोग कर रहे हैं, जो कि एडवेंचर का चार्ज मात्र 50 रुपये है। आपको मैं कीमत बता देता हूँ, मात्र 50 रुपये है। कोई भी आप एडवेंचर करें आपको 50 रुपये देना ही होगा। और ये साइकिलिंग का है, जो देख रहे हैं साइकिलिंग करके इस पार से उस पार जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अभी आपको नंबर टू की तरफ अभी आपको ले चलता हूँ, आपको नंबर टू भी आपको दिखाऊँगा वाटर पार्क कौन सा वाटर पार्क है, वो भी काफ़ी बेहतरीन वाटर पार्क है। चलिए मैं आपको नंबर टू के विषय में भी बताता हूँ कि वो कैसा वाटर पार्क है। देखिए नंबर टू पर आता है फन सिटी वाटर पार्क, जो कि वाराणसी के मेन सिटी में ही स्थित है। इसके लिए आपको वाराणसी के बाहर नहीं, वाराणसी के अंदर ही आपको ये आपको मिल जाएगा, जो कि फन सिटी वाटर पार्क, जो कि पांडेपुर में स्थित है, जो कि बनारस के बीचों बीच है, जो कि पांडेपुर। और पांडेपुर आपको बता दूँ कि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पांडेपुर सब्जी मंडी जो आप देख रहे हैं, जो सब्जी मंडी से आप मुड़ जाएंगे, एक मंदिर पड़ेगा, मंदिर से आप टर्निंग ले लेंगे, आप किसी से भी फन सिटी, आपको सबसे इजीली बता दे रहा हूँ, गूगल मैप आप कर लीजिएगा, फन सिटी वाटर पार्क आपको मिल जाएगा। देखिए सेम प्राइस है इसका भी, जो कि वाराणसी में जितने भी वाटर पार्क हैं उन सबों का प्राइस, मतलब सभी वाटर पार्क का मतलब प्राइस सेम ही है। इसका भी 400 रुपये है, अदर डे में 350 है। संडे का देखिए प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि संडे को भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, और इसमें लूटने का कार्य जानते ही हैं कि वाटर पार्क वाले कितना लूटते हैं, पानी का पैसा ले जाते हैं। और देखिए लाकर की सुविधा हर जगह है, लाकर का सुविधा हर जगह चार्ज है, लाकर का आपको चार्ज हर जगह देना है, किसी भी वाटर पार्क में जाए। और ड्रेस भी आपको लेना ही होगा, ये तो मस्ट है, आप ऐसा नहीं है कि वह लेना ही है, आप मतलब घर से भी लाएंगे तो उसका चार्ज नहीं देना होगा। आप फ़ोन का पाउच भी ले सकते हैं, फ़ोन का पाउच भी आपको मिल जाएगा भाड़े पर, मतलब रेंट पर आपको सब कुछ मिलेगा। और देखिए इसमें भी वैब है, वाटर पार्क मतलब कि इसमें स्विमिंग पूल है, पैराग्लाइडिंग मतलब सब कुछ है इसमें भी, इस वाटर पार्क में भी, जो कि ये सब वाटर पार्क जितना आप देख रहे हैं सब बहुत ही बेहतरीन है। और देख रहे हैं कितना भीड़ भाड़ चल रहा है अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बिजी रहता है, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच होने के कारण यहाँ पे काफ़ी मतलब नहाने के लिए लोग आते हैं, काफ़ी अच्छा है ये वाटर पार्क। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको सजेस्ट करने के लिए नंबर वन और नंबर थ्री पे जो मैंने वाटर पार्क रखा है वही आपको बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। हमें तो कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि इसमें मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन हमें कुछ यूनिक नहीं लगा। अगर आपको जाना है तो एक्वा जंगल वाटर पार्क जाए, वहाँ पे काफ़ी एडवेंचर, और उसके आसपास भी घूमने के लिए लखनिया दरी वाटरफॉल सब कुछ मिल जाएगा, और इसके पास भी आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि पांडेपुर से आप सारनाथ के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं, अगर आप बनारस के बाहर हैं तो यहाँ भी आकर आराम से घूम सकते हैं। ये सब वाटर पार्क आप देख ही रहे हैं।
आपको नंबर 3 भी आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको 2 बता दूं कि 2 के विषय में और भी क्या क्या खासियत है। और इसमें भी देखिए आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट से लेके सारी चीज़ें हैं, बस इसमें रूम नहीं है, बाकी रेस्टोरेंट सब कुछ है। ये भी थोड़ा सिटी से अंदर है, इसके मतलब पार्किंग का शुल्क देखिए हर जगह है, हर वाटर पार्क अगर बाहर आप जाएंगे तो पार्किंग शुल्क आपको देना ही होगा, पार्किंग हर जगह पर है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ है और काफ़ी साफ पानी है। आप देखिए थोड़ा सा धूप है तो थोड़ा गर्म पानी मिलेगा, लेकिन आपको सही लगेगा, मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मज़ा आएगा। चलिए मैं आपको नंबर 3 की तरफ अभी ले चलता हूँ, लेकिन इसके विषय में एक खासियत और बता दूँ कि इस वाटर पार्क में आपको मतलब सारा चीज़ अभी कुछ चेंजेस हो चुका है, पहले मतलब जितना था उससे कई ज़्यादा बढ़ चुका है इसमें। और देखिए नंबर 3 पर आता है फंटेसिया वाटर पार्क, जो कि इस टाइम बिल्कुल नया नया बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना नहीं है, इसको भी बने हुए 2 साल हो चुके, लेकिन लॉकडाउन की मार ये झेल चुका। और देखिए इसी के माध्यम से एक ड्रोन वीडियो है, मैं उसी के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी अट्रैक्टिव वाटर पार्क है, और ये काफ़ी इसका स्ट्रक्चर हमें खूबसूरत लगा, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर लगा, क्योंकि बनारस में जितना भी वाटर पार्क है सबसे बेहतरीन हमें इसी का स्ट्रक्चर लगा। और ये ड्रोन वीडियो देख सकते हैं, इसके माध्यम से आपको तो सारा कुछ आपको दिख ही जाएगा। देखिए इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, देखिए तीनों वाटर पार्क में सबसे ज़्यादा चार्ज इसी वाटर पार्क का है, इस वाटर पार्क का चार्ज 500 रुपये है, जो कि अदर डे में जाएंगे 400 या 450 है। और इसमें भी ड्रेस का चार्ज और इसमें भी रेस्टोरेंट सब कुछ है, कैंटीन वैटीन वगैरह सब कुछ है, आपको ड्रेस का चार्ज और पार्किंग शुल्क सब कुछ देना है, यहाँ पर भी पार्किंग बना हुआ है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर हमें बहुत ही खूबसूरत लगा, आप यहाँ पर सेल्फी फ़ोटो आराम से बहुत ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा ही है। और आपको अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप एक्वा जंगल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे भी उतना मज़ा नहीं है, वैसे स्ट्रक्चर देखने में मज़ा है लेकिन यहाँ पे उतना खास चीज़ नहीं है, काफ़ी ये दूर भी पड़ता है। आपको इसका देखिए लोकेशन में बता दे रहा हूँ, ये चांदमारी वाराणसी पर है, जो कि वाराणसी रिंग रोड फेज 1 जो बना हुआ है एयरपोर्ट वाला, उसी रोड पर अगर आप गूगल मैप कर लेंगे फंटेसिया वाटर पार्क सबसे ईजिली है मतलब, लेकिन थोड़ा सा ये अंदर पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोच कर जाना होगा, क्योंकि ये गाँव साइड में बना हुआ है, देख ही सकते हैं आसपास कोई भी मकान आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई भी घर नहीं है। आपको देखिए टॉप 3 जितने भी वाटर पार्क थे बनारस में यही देखिए फिलहाल है, एक मोहनसराय में भी वाटर पार्क है लेकिन वो काफ़ी छोटा है, उसके विषय में अभी हमें कुछ खास पता भी नहीं है, बहुत पहले मैं गया था, अब शायद बंद भी हो गया हो, लेकिन देखिए टॉप 3 यही है। आप अगर आ सकते हैं तो आइएगा ज़रूर, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जोर से जोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और भी अगर जगह अगर आपको वीडियो चाहिए काशी में तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप इस तरह का, और सुपर थैंक के जरिए हमें कुछ मतलब पैसा भी दे सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल खर्च हम लोग का निकल जाता है, ऐसे आप दे सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।